करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ, पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन, पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना, ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो, मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान, आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नज़र बम्बू पर पड़ती है। चाबाद जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन, एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना, और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन, ये मेरे गाँव की स्पेशल डिश है, इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है, एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है, ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो, मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो, अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूंगा, पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा, मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में है, लगता है इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो, अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता, पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया, ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का
बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। बिहारपुर के जंगल में कड़क सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी। कड़क का एक बेटा था कालू। कालू दिन भर मोटरसाइकिल चलाता था और यहाँ वहाँ पैसे लुटा रहा था। कड़क सेठ कालू की इन हरकतों से बहुत नाराज हो जाता है और एक दिन उसे अपने पास बुलाता है। कालू, तुझे क्या लगता है ये इतनी बड़ी जमीन जायदाद मैंने ऐसे ही खड़ी कर दी है? इसमें मैंने खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक तू है जो सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। दिन भर कोई काम धाम नहीं करता, बस आवारा गर्दी करता रहता है। तेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इतना भरी हुई फीस बेकार गई। तू एक छोटी सी नौकरी के लायक भी नहीं है। लेकिन पिताजी, हमारे पास सब कुछ तो है, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? हाँ, जब समय आएगा तो मैं सब संभाल लूँगा। किसने कहा कि तुझे ये जमीन जायदाद मिलेगी? तू किसी लायक ही नहीं है। मैं तेरे नाम कुछ भी नहीं करूँगा। पहले एक काम तो करके दिखा, तब तो मैं मानू कि तू किसी काबिल है। ये सुनकर कालू बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पिताजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। ठीक है पिताजी, मैं एक कोला की दुकान खोल देता हूँ। कोला की तो हजारों दुकानें हैं, तू कुछ अलग कर, फायर कोला की दुकान चला कर दिखा। मैं एक साल बाद तुझे देखूंगा कि कितना आगे बढ़ा है तू। लेकिन पिताजी, मैं तो कभी फायर कोला सुना भी नहीं हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा? काम शुरू करो और सब सीखते जाओ, मेहनत सब सिखा देगी। कालू ये सुनकर और घबरा जाता है, लेकिन अपने पिताजी की बात मान जाता है और अगले दिन से फायर कोला की दुकान खोल लेता है। ये क्या फंस गया मैं? कालू कोला में फायर लगाने की दिन रात प्रैक्टिस करता था और बहुत मुश्किल से दो दिनों बाद उसे फायर सोडा बनाना आ जाता है। बेटा, ये क्या दुकान खोले हो? हरिया काका, फायर सोडा है ये, एक बार पी के तो देखो। ठीक है, तुम बच्चे भी क्या क्या काम करते रहते हो, मुझे एक फायर कोला देना तो। जी अभी लो। कालू ऐसे तैसे करके एक फायर कोला बनाकर हरिया को दे देता है। तो हरिया कहता है, वाह कालू बेटा, तुमने तो बहुत ही टेस्टी फायर कोला बनाया है, मैं और लोगों के साथ फायर कोला पीने फिर आऊंगा। अरे कहीं ये मुझे पिटवाने के लिए और लोगों को तो नहीं लेकर आने वाला है? दादी ने मुझे कहाँ फंसा दिए, फायर कोला के काम में सादा कोला भी बेच सकता था ना, मैंने तो जैसे तैसे फायर कोला बनाकर दे दिया था। कालू, जो मुझे तुमने फायर कोला दिए थे ना, वो मेरे इन पोते पोतियों को भी दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो इन्हें भी अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है और कालू उनके लिए फायर कोला बनाकर दे देता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, लोगों को मेरा फायर सोडा पसंद आ रहा है। हाँ कालू बेटा, तुम्हारी मेहनत सभी को पसंद आ रही है, देखो तुम्हारा फायर सोडा पीते ही लोग कितने खुश हैं और सभी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद से कालू का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो अलग अलग फ्लेवर्स के फायर ड्रिंक्स तैयार करने लगता है, फायर मैंगो, फायर ऑरेंज वगैरह वगैरह। ऐसे अचानक से उसकी दुकान में बहुत भीड़ लगने लगती है। कालू अब दिन रात मेहनत करता था। मुझे एक फायर मैंगो देना, मुझे फायर कोला और ऑरेंज मिक्स करके देना। भाई मुझे तो रेगुलर फायर कोला ही अच्छा लगता है। जी ये लीजिए आपके फेवरेट फायर ड्रिंक्स। इसके बाद से कालू का आग वाला ड्रिंक पूरे जंगल में फेमस हो जाता है और एक साल कब बीत गए कालू को पता ही नहीं चलता। एक साल बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं। क्यों कालू, दुकान कैसी चल रही है बेटा? पिताजी, एक साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, आपका कहना बिल्कुल सही है। सादा कोला तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन फायर कोला बेचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे बनाना ही मुश्किल है। आपने मुझे मेहनत की कीमत सिखाई है पिताजी, मैं अब जमीन जायदाद की असली कीमत समझा हूँ कि कितनी मेहनत से सब कमाया जाता है। मेहनत की कमाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है बेटा, तू पूरी मेहनत कर और अपना और अपने घर का नाम आगे बढ़ा। और फिर कालू अपनी मेहनत से और तरक्की करता है और अपने घर परिवार का बहुत जिम्मेदारी से ख्याल रखता है। धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से
कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी, मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल साफ मन वाले सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें, हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है, वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे, तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयां भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।